हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो कल हम लोगों ने किया था चैप्टर 4, जिसमें हमने राज्य सरकार के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 26 क्वेश्चन से करेंगे स्टार्ट और आज ये टॉपिक जो है आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, लास्ट वीडियो में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, अगर आपने बहुत ध्यान से सुना है पिछले वीडियो को तो आप इसका आंसर फटाफट बता देंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो तो रिप्लाई करते हैं लेकिन सभी बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए जरूरी है कि वो वीडियो को 2-3 बार देखें और जब देख रहे हैं उसी वक्त इन्हें लर्न कर लीजिए। बात के लिए इकट्ठा मत करिए, बाद में आप रिवीजन के लिए टाइम आपके बचा कर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार आप अगर अच्छे से समझ गए तो आप केंद्र सरकार के बारे में भी समझ जाएंगे। चलिए, मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? इसका आंसर है कि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। देखिए, मैं आपको पहले से ही ये बता देती हूँ, मुख्यमंत्री को समझने के लिए आप एक क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं और वहाँ एक मॉनिटर चुन लिया जाता है तो उसको ध्यान में रखकर अब आप इसको पढ़िए, ठीक है, तो आपको ये और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन 27 है, सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की सहायता के लिए कौन होते हैं? तो हम लोगों ने राज्य के कितने अंग हैं ये हमने देखा था, तो वहाँ आपको समझ में आया होगा कि प्रत्येक मंत्रालय में मंत्री की सहायता के लिए कौन होते हैं। देखिए, सचिव होते हैं, जो हमने 3 अंग पढ़े थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हमने कार्यपालिका के अंतर्गत एक स्थायी कार्यपालिका भी पड़ी थी। सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं सचिव और अन्य अधिकारी, तो ये सभी मंत्रियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद कहाँ से राज्य का शासन का संचालन करती है? तो कहाँ से करती है, आपको उस स्थान का नाम बताना है। देखिए, राजस्थान में जो मंत्रिपरिषद है जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रीगण सभी आते हैं, तो ये सभी जयपुर में स्थित सचिवालय भवन द्वारा राज्य के शासन का संचालन करते हैं। बुक में दिया हुआ है सचिवालय भवन का, बहुत ही सुंदर चित्र दिया हुआ है। तो ये कहाँ पर है, जयपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, मुख्यमंत्री कौन होता है? ठीक है, तो मैंने आपको मॉनिटर का एग्जाम्पल दिया था, तो वो जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है उसी तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री होता है। चलिए, विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी के गठबंधन का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा में जो पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है तो उन्हीं में से एक नेता जो है वो चुना जाता है कि हाँ, यही हमारी टीम को संभालेंगे, ठीक है, तो वही मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है वो एक नेता ही होते हैं, वो एक मंत्री ही होते हैं और एज अ मंत्री ही कार्य करते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद का मुखिया या राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है? जैसे हमने देखा था कि राज्य के संवैधानिक मुखिया जो राज्यपाल होते हैं, क्योंकि उनके साइन के बिना राज्य के लिए कोई भी कार्य नहीं आगे बढ़ता है, उसी तरीके से राज्य के मंत्रिपरिषद का मुखिया हमने देखा कौन होता है, मुख्यमंत्री, जो कि राज्य का वास्तविक मुखिया होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं लेकिन राज्यपाल के साइन के बिना वो कार्य जो है वो आगे नहीं बढ़ता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है वह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर ये सभी इकट्ठे मिलकर कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें सामूहिक रूप से ही करना पड़ता है, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, बहुमत दल का नेता होने के कारण मुख्यमंत्री विधानसभा के किस रूप में कार्य करता है? बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री, लेकिन वो सदन के एक नेता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, राजस्थान में विधायिका कितनी सदनात्मक है? देखिए, भारत में राज्यों में द्विसदनात्मक विधान विधायिका है और कहीं पर एक सदनात्मक है, ठीक है। तो राजस्थान में एक सदनात्मक
विधायिका जो है वो एक सदनात्मक है, ठीक है। और विधायिका के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन आता है, राज्यपाल आते हैं, विधानसभा आती है और विधान परिषद आता है। तो यहाँ राज्यपाल भी है और विधानसभा भी है, लेकिन विधान परिषद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक सदनात्मक विधायिका है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि द्विसदनात्मक जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका है, यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन राजस्थान में एक सदनात्मक ही विधायिका है, ठीक है, याद रखना है। राजस्थान राज्य की विधानसभा के 200 निर्वाचित क्षेत्र में से हमने देखा था कि राजस्थान राज्य की विधानसभा में 200 क्या है, निर्वाचित क्षेत्र है, ठीक है। तो उनमें से कितना अनुसूचित जाति और कितना अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है? तो देखिए 34 क्षेत्र जो हैं 200 में से वो अनुसूचित जाति के लिए और 25 क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, ठीक है। तो जो सीटों का आवंटन है अनुसूचित जनजाति के लिए 34 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है, तो ये इनके लिए रिजर्व है पहले से ही। नेक्स्ट है विधायक या एमएलए कौन होते हैं? प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा चयनित जनता का प्रतिनिधि विधायक कहलाता है, यानी कि जनता ही इनको चुनती है और इन्हें चुनकर विधानसभा में भेजती है। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता द्वारा, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहां के जो मतदाता हैं वोट यानी वोट देते हैं और उनके द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वही विधायक कहलाता है, वही एमएलए कहलाता है जो कि विधानसभा में या विधान परिषद में बैठता है। नेक्स्ट है 36, विधायक बनने के लिए कितनी उम्र होना आवश्यक है? तो इसके लिए 25 वर्ष होना आवश्यक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यपाल के लिए 35 वर्ष का होना जरूरी है, उसी तरीके से विधायक बनने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष का होना जरूरी है, ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। विधानमंडल में प्रथम और द्वितीय सदन कौन सा होता है? विधानमंडल जिसके अंदर विधानसभा भी आएगी और विधान परिषद भी आएगी, तो इसमें प्रथम और द्वितीय सदन कौन सा होता है? तो देखिए विधानसभा जो कि प्रथम सदन है और यह अस्थाई है क्योंकि यह कभी भी भंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है विधान परिषद, यह दूसरा सदन है और जो कि स्थाई है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो याद रखना है विधानसभा पहला सदन है जो कि अस्थाई होता है और विधान परिषद दूसरा सदन है। इसी तरीके से जब हम सेंट्रल का पढ़ेंगे, केंद्र का पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि लोकसभा जो है वह है प्रथम सदन कहलाती है जो कि अस्थाई होता है और राज्यसभा द्वितीय सदन होता है जो कि स्थाई होता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, राज्य सरकार जिस तरीके से कार्य करती है उसी तरीके से केंद्र सरकार करती है। तो जिस तरीके से राज्य सरकार का ढांचा होता है, एक कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका, तीन अंग होते हैं, उसी तरीके से सेंटर में भी यही होता है, केंद्र में भी कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। इसीलिए कह रही हूं कि यहां पर समझते चलिए, विधानसभा की बैठक वर्षों में कम से कम कितनी बार होती है? विधानसभा की बैठक जो है वो वर्ष में 3 बार होती है, वर्ष में 3 बार होती है। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो विधानसभा में कार्यवाही का संचालन जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष करता है, जिस तरीके से लोकसभा में कार्यवाही का संचालन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं, उसी तरीके से विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। राजस्थान की विधानसभा कहाँ स्थित है?
राजस्थान की विधानसभा जयपुर में स्थित है। राज्य सरकार के धन संबंधी कार्यों पर किसका नियंत्रण होता है? तो राज्य सरकार की धन संबंधी कार्यों पर विधानसभा का नियंत्रण होता है, क्योंकि जब बजट बनता है तब सभी मंत्रियों की सहमति उसमें शामिल होती है। राज्य में बजट कौन प्रस्तावित करता है? तो राज्य में बजट जो है वह विधानसभा प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट है, विधानसभा में सरकार के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? तो हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आता है विधानसभा में, तो उस वक्त मंत्री परिषद को त्याग देना पड़ता है। उसके बाद है, विधानसभा में सत्र की बैठक कौन करता है और सत्र कौन बुलाता है? देखिए, दो बातें यहाँ पूछी गई हैं। एक तो सत्र की बैठक जो है वो लोकसभा स्पीकर की तरह विधानसभा अध्यक्ष करते हैं विधानसभा में, लेकिन इनको बुलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, एक वर्ड आया था आहूत, आहूत करना है ना, तो सत्र को बुलाने का कार्य, सत्र को आहूत करने का कार्य होता है राज्यपाल का। विधान परिषद के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं, यानी कि उनका रिटायरमेंट हो जाता है? तो विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों की सबसे बड़ी अदालत तो होती है, केंद्र में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरीके से राज्य में सबसे बड़ा होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है, इसकी एक पीठ या शाखा कहाँ है? तो जो हाई कोर्ट है राजस्थान का वो जोधपुर में है, लेकिन इसकी जो एक शाखा है, जो एक पीठ है, वो है जयपुर में भी है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। राज्य सरकार से रिलेटेड सभी प्रश्न, इसको आप बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि जब केंद्र सरकार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।